किसने आप पार्टी को बोला छोटा रिचार्ज? किसने दिल्ली को लेकर आपको घेरा? कौन है वो जो नोटों पर भगवान की फोटो को लेकर तिलमिला गया? क्यों गुजरात को लेकर भी किए गए सवाल? AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी, आप और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। आपको छोटा रिचार्ज बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल ने कोविड काल के दौरान तबलीगी जमात के बारे में कई भ्रांतियां फैलाई थी। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अहमदाबाद पहुंचे ओवैसी ने आप पर तबलीगी जमात पर कोरोना संक्रमण को फैलाने का आरोप लगाया था, जो बिल्कुल झूठ साबित हुआ। इसी छोटे रिचार्ज ने सबको बदनाम करने की नीयत से इल्जाम लगाया था। ओवैसी केजरीवाल पर जमकर हमला बोलते हुए ओवैसी का कहना था कि दिल्ली दंगों के दौरान केजरीवाल ने बस चुप्पी साधी हुई थी। केजरीवाल प्रदर्शनकारियों को शांत करने की बजाय राजघाट पर मौन व्रत धारण किए हुए थे। दावा किया है कि छोटा रिचार्ज की आप पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे, जबकि कुछ उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त होने की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो मामले पर भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। मामले पर जब जब छोटे रिचार्ज केजरीवाल को बोलने को कहा गया, तब तब केजरीवाल ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की फोटो लगाने पर भी ओवैसी ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए सवाल पूछा कि 10, 20, 100, 500 या 2000 रुपए के नोटों पर किसी और की फोटो लगाने से बेरोजगार युवकों को कैसे रोजगार मिलेगा। ओवैसी ने आप और अरविंद केजरीवाल को एक और मुद्दे पर जमकर घेरा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर ओवैसी का कहना था कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्तर को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। दिवाली के बाद प्रदूषण स्तर इस कदर बढ़ गया है कि स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी। कहा कि केजरीवाल को जनता को बताना होगा कि सरकार का प्रदूषण नियंत्रण को लेकर क्या प्लान है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए AIMIM ने भी कमर कस ली है। सूत्रों की बात माने तो 182 विधानसभा सीट वाले विधानसभा में AIMIM 40 के करीब उम्मीदवार उतार सकती है। चुनावों के लिए पार्टी अब तक सूरत की 2 और अहमदाबाद की 3 सीटों पर प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। ओवैसी का दावा है कि चुनाव में आपकी करारी हार होगी। गुजरात रोल मॉडल पर निशाना लगाते हुए ओवैसी ने मोरबी पुल हादसे पर सवाल उठाए। कहा कि गुजरात को नहीं बनाया, बल्कि गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाया गया है। गुजरात को बनाने वाले असली सौराष्ट्र की महिलाएं सहित कई कामकाजी लोगों ने गुजरात को बनाया है। मोरबी ब्रिज हादसे में 150 लोगों के मारे जाने पर ओवैसी ने पूछा, हादसे का कौन जिम्मेदार होगा? अब देखना यह होगा कि दोनों पार्टियां इसका जवाब कैसे देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत TV।